देखो छोटे मोटे जो इलाज वाले हैं या जो आलिम जो भी सीखने की आलिम बनने की कोशिश कर रहे हैं या अमलियात के अंदर उतर कर उसके दुनिया के अंदर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी रह दो, छोटी रह दो बड़ी रह दो, मगर मैं एक बात ये कहूँगा एक मेरे तजुर्बे से कि तुम्हारा छोटा मोटा उस्ताद तुम्हारा मैं देख रहा हूँ बार बार मेरे पास बच्चों को लेकर आ रहे हैं, नौजवान बच्चे जिनके उम्र क्या बोलते तो बहुत कम, जवानी में पागल हो गए, कपड़े पहनने का हौस नहीं, उनको कपड़े निकाल के फेंक दे रहे, तो ये कैसा हुआ पागल क्या हुआ, मैंने वो भी बताया ले मेरे वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल में पूरी दुनिया को, उनको भी राइट करा मैंने, वो भी उसके अंदर देख लो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने सब क्या क्या काम दिया उसके अंदर सारी दास्तान है देख लो वीडियो, तो कैसे क्या बच्चे पागल हो गए वो कैसे क्या, उनके छोटे मोटे डुप्लीकेट उस्तादों ने क्या करें उनके खांधों पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश करें, उनको क्या करें उनको झूठे मूठे कौन से भी अमला सिखा कर या नहीं तो खुद नहीं कर सकते जो अमल, उनसे कोई चीज़ हाजिर नहीं होती वैसे अमल जिनके खांधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश करें, बोलो सांप भी मर जाए लाठी बिना टूटे, अगर होगा कुछ सक्सेस अगर कुछ निकल गए इन्हों आगे या कुछ बना दिए या उसके पास कुछ आ गया ताबे में उन्हें कुछ करके, तो वो क्या बोलेंगे बाद में हम तेरे उस्ताद है चल अब तेरे जिन्नात को बोल के काम ले हमसे, चल तेरे जिन्नात को बोल के काम ले, ऐसे वैसे जो भी दास्तान है सोच कर वो लोगों ने, ऐसे तो आज तक वो लोग कहीं कामयाब नहीं हुए ऐसे गलत मकसदों में, मगर उन्होंने ऐसे सोच कर क्या करे बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां ख़राब कर दी नौजवानों को अमल अम्बिया सिखा के, ऐसा नहीं बोल करने मेरे पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसा हर जात के बच्चे को मैं इन्वाइट करा और हर जात का बच्चे को मेरे पास लेके आए थे जो भी अमल सीखने की जो भी स्वामी पंडित या आलेम कुछ भी बन रहा था जादू टोना सीख कर हटाने वाला या करने वाला कुछ भी, तो उसको पलट पड़ाओ और पलट पड़ के मार पड़ी और मार पड़ के वो बच्चे पागल हो गए थे, बच्चों को होश तक नहीं था कपड़े पहनने का या कुछ, और बहुत सारों को तो लाए लाए तक बहुत सारे रास्ते में आने नहीं दिए बलाओं ने, उधर का उधर उनको उधर के रस्ते लगा के इधर के रस्ते आने नहीं देके ख़त्म कर दिए, ये बलाओं की दुनिया इत्यादि उनकी बहुत ही अजीब व गरीब है, इसलिए बेहतर है कि इनसे महफूज रहने के लिए सिर्फ दुआएं और अल्लाह के कलाम को याद करो, हदीसों पे अमल करो, ताबई लेने की हरकतें मत करो, तुम ताबई लेने की हरकतें करने जाएंगे तो तुम्हारे पे पलट के वारा कर देते हमले कर देते और मार देते, जिन्नात और शयातीन की खास बात रहती उनको तुम गाली दो ऐसे दुश्मन अंगार बन जाते हो, इतने गुस्से में आ जाते कि हमारे गाली कैसे दिया बल्कि देखो ना तुम किसी के अगर आंग में भी आता होगा तो देख लो तुम गाली देखे, क्योंकि छोटे मोटे आमिल या छोटा मोटा इंसान उनको गाली नहीं दे सकता, अदब से बात करना पड़ता, उन्हों सबसे पहले भाप लेते आलिम को कितना पानी में देख लेते एक नज़र मारते क्योंकि उसके ने क्या है इसके ताबे में क्या क्या चीज़ें, हमले कर देते मार देते, आलिम अगर तो अपनी खुद की बंदिश भी करके बढ़ा तो उसके बच्चों को मार देते उसके घर पे हमला कर देते किसी भी, इसलिए जब तक तुम्हारे पास कुदरत का कोई निज़ाम नहीं रहता जब तक अल्लाह तुम्हारे को नहीं चुनता जब तक ऐसे मनमानियाँ करना नहीं, हाँ किसी का कोई शैतान तुम्हारे सामने कोई हाजिर हुआ करा तो उसको खाली हर इलाज वाले को बता रहा हूँ मैं, उसको अदब से बात करना, दुआ पानी देना, रफा दफा करने की कोशिश करना, शैतान को ज़्यादा छेड़ना नहीं, अगर छेड़ेंगे तो फिर उन्हें छोड़ता नहीं और छोड़ेगा नहीं तो तुम पे हमला करता तुम्हारे घर वालों पे करता, और करके बताता मैं जो प्रैक्टिकल में देखा वही मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ, अरे मैं मेरा सर तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं मेरे दिल से कोई अल्फाज भी नहीं बोला, देख लो तुम बाद में जब जिस पे बीतती उसको ही पता चलता, जिसको ज़ख्म होता दर्द भी उसको ही होता और बाकी सब लोग उसके मज़े लेते, समझ गए, चलो कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह तुम सब लोगों को अमल करने की तौफीक दे। कब से हो बच्चे के आंग पे, कितने साल से, सख्ती करने पे वो मत कर मुझे, अगर मैं सख्ती पे आऊंगा तो फिर बहुत खतरनाक मारने लगाऊंगा, मारू पुलिस से लड़ा के, हाँ क्यों परेशान कर रहा उसको, क्यों परेशान कर रहा, क्या है तेरी उसकी दुश्मनी, कौन है तू, जल्दी बैठ सीधा अदब से, पूरा काट दूंगा नहीं तो, क्या दुश्मनी तेरी उसकी, क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी, क्या पूछा मैं, चकड़ो जरा उसके अंदर से आओ और तेज़ से मारो उसको नालायक को, हाँ क्या दुश्मनी थी बच्चे की, वैसे क्यों जिंदगी खराब करे उसकी,
फोन करा वो और उसको कब मारने वाले थे उसको अम्मास में पुन्नम में हा? बच्चे को कब मारने वाले थे वो बोल क्या है क्या मसला था क्या मसला था कौन है वो औरत हाँ क्यों करी क्या दास्तान है फोन कौन मिले आले जल्दी एक बार भी नहीं छोड़ता मैं पानी नहीं पींगी अरे ऐसे सब हरकत करके सोच रहे हैं तुम लोग बच जाएंगे एक बार भी बच नहीं निकला सारे उतारे के माला सब करा के भस्म कराता हूँ तेजी के साथ में बाद में फिर मेरे को बोलना नहीं कि मैंने जुलूम करा सबको मार दिया भस्म कर दिया माफी नहीं दिया बचने की बोल के हाँ बोल हाँ कहाँ से शमशान से कब्रस्तान से डालने लगा दूंगा जंजीरा बाद में बोलना नहीं मुझे फिर उससे पहले सही सही बोल दे हाँ जकड़ लो इस पंदे से तेज से उधर जल्दी डाल ला कर बंदा लो इसे तेज साथ में जंजीर डालो और उसको इतना मारो उसको बन के चिल्ले करो उसको मार मार के सब कमजोर करके मेरे सामने ला उसको नारा रखो उतारे के साथ में उसकी सारी नस नस में की दिल में की दिमाग में सब दवा जमा कर पार निकाल के देखो ये तो अलग अलग मसले चल रहे हैं जादू टोना है दूसरा एक खिला वाला है औरत ने क्या बोली मई बोलती नहीं बल्कि फिर वो बाद में जिन्ना उसको थप्पड़ा मार रहा था बोल सही बोल बोल के सुनो मुझे तो दो अलग अलग खेल चल रहे तो उतारे करना पड़ता है एक राउंड दो राउंड तीन राउंड जैसा उतारे का सामान वहाँ बना के घर को ले जाएंगे घर को जाकर जलाना चालू करेंगे जैसे सामान चलेंगे वैसे उसकी तबीयत सुधरना जरूरी है तीस दिन नौवा दिन तक जलाना है जाकर सब उल्टिया मोशन आओगे सब पलटना चलूंगा सब कट देगा फिर फोन करा था क्या करा था दूसरे या तीसरे चक्कर तक वहाँ को पूछना है तो पूछा भी नहीं है समझ गए अभी देखे नहीं कभी दो अलग अलग चीज आना उसके यहाँ जिन्नात अलग है औरत अलग है अभी देखना एक जिन्नात आया था जिन्नात के बाद में एक औरत ही थी औरत ही जिन्ना ना मत फिर औरत को जिन्ना थप्पड़ मार रहा था मुंह पे इधर के हंसे उधर के हंसे सही बोल उनको और बोली नहीं बोलूंगी तो एक जादू टोना है इतना क्या अलग है जादू टोना है जिन्ना वो तो निकाल देता मैं सब चीजें निकाल देता अमल करना पड़ेगा जैसा तुम लिखते हो सामने।